लगाओ दम मिट जाए गम। कमाए दुनिया खाए हम। दोबारा अच्छा आप बोल नहीं सकते लेकिन आपका दिल करता है कि काश आप बोलते। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ईद आने वाली है, लोग निकले हैं शॉपिंग करने, तो आए लोगों से जानते हैं कि शॉपिंग करने में कितना मजा आ रहा है। आए मेरे साथ। आपने कर ली शॉपिंग ईद? क्या क्या ले लिए? मैंने सब कुछ ले लिया है। अभी चल रही है शॉपिंग? जी। अभी तक कुछ भी नहीं लिए? नहीं कुछ भी नहीं। सलवार कमीज? वो तो लिया है। वो ले लिया आपने? और पैंट शर्ट? वो भी लिया है। दो जो बेटा बच्चा क्या है फिर? अभी एक दो। अभी तक कहाँ पे शॉपिंग हुआ? अभी करने आए शॉपिंग। महंगाई की इंतहा है। मैं रिटायर्ड SSP क्राइम हूँ। दिखाए जरा ये आप ईद तो पहनेंगे लेकिन आपने तो पहले से पहन लिए। हाँ ना, टाइम देखने के लिए। मैंने पेंटे लिए, टी शर्ट लिए, शूज लिए, सैंडल लिए, घड़ी ली, सब कुछ ले लिया। कुछ नहीं लिया, पर थोड़ा बहुत रह गया, कैप वगैरह। और कुछ? एक चीज नहीं लिया। क्या? हाथ किसी लड़की का। अच्छा, मुझे 6 महीने से पेंशन नहीं मिली, अब सुनेंगे? और आप गवर्नमेंट के अफसर थे? जी जी, Grade 19 का ऑफिसर। कितने का माल लगाया था आपने इस बार? यार तकरीबन 80,000-90,000 का माल लगाया। ईद के पहले दिन कहाँ जाओगे? ईद के पहले दिन तो नानी वानी के घर जाते। नहीं करा जी। नानी वानी? जी। पानी कौन है? मानी तो कोई भी। अच्छा, नानी को ही प्यार से कहते हैं आप पानी। अच्छा मुझे ये बताएं, ईद के पहले दिन नानी के घर चलेंगे, दूसरे दिन नानी आपके घर आ जाएंगे? जी ऐसे। नानी के घर नहीं आते हम, दादा के घर में आते हैं। दादा के घर पे? कहाँ पर है दादा का घर? दादा का घर कहाँ पे? मेरे को नहीं। कहाँ पे होता है? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में होता है? कोई मिली लड़की आपको या अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं आप? दे दो ना। कोई भी नहीं है? अभी हम आपको नंबर देके जाएंगे। अच्छा, ईद के पहले दिन कहाँ जाओगे? सोचा नहीं अभी तक। दूसरे दिन? वो तो देखते हैं। बेटा तीसरे दिन कहाँ जाओगे? वो तीसरे दिन दुबई जाऊंगा। दुबई जाएगा? ईद आ गई है, शॉपिंग आपने कर ली है? कर लिया। अब कपड़े पहनने के बाद क्या करना है? कपड़े पहनने के बाद थोड़ा डांस वांस करेंगे, फिर जाएंगे लड़के ताड़ेंगे हम लोग। अरे यार, हम पहले जाएंगे डांस वांस करेंगे, फिर लप जप करेंगे, फिर जंग जू, फिर पेपर रगड़ेंगे, फिर उसको। जी कोई फायदा नहीं है किसी जॉब का, सब बकवास। क्या कायदे आजम ने मुल्क बना के गलती करी थी? बहुत बड़ी गलती की, ये इस काबिल थे ही नहीं। अंडरवेयर का काम है आपका, लेडीज और जेंट्स दोनों? नहीं, लेडीज नहीं है, सिर्फ जेंट्स। तीसरे दिन मामू वाले आते? तीसरे दिन मामू आ जाएंगे। और चौथे दिन? खाला वाला आती है आना। चौथे दिन आप काम पे नहीं जाएंगे? चौथे दिन काम पे। दुबई जाएंगे? टिकट हो गई है? हाँ हाँ, सारा कुछ हुआ है। प्लेन से जा रहे हैं? जी प्लेन से जा रहे हैं। कितना खर्चा आ रहा है? तकरीबन इस महंगाई में 5-6 हज़ार रुपये आएगा। ईद के पहले दिन आप क्या करेंगे? क्या कह रहे हो? बांग्लादेश देख लो आप, कल आपके पास से गया वो, आप देखो। हमारे पास से गया, हमसे आगे निकल गया। 100% आगे। दिल करता है मुल्क छोड़ के चला जाऊँ? नहीं नहीं, अपना कराची इसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे यार? कोई रखेगा ही नहीं हम। हम जिंदा दिल लोग हैं, ये चोर हैं। ऐसी बात है, इतनी महंगाई में भी शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ तो जिंदा दिल लोग हैं ना, लप जप डाल रहे हैं हम, जंगजू फटाफट डाल के हम शॉपिंग कर ली है अपने पैसों की। लप जप डाल रहे हैं हम, जंगजू डाल के शॉपिंग कर ली। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम समझाएंगे तो अपने खर्चे पे खुश रहो। जियो शेर का बच्चा। ईद की शॉपिंग कर ली है आपने? सिर्फ जेंट्स? जेंट्स तो नहीं पहनते? पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते? ये दिखाओ, ये कितने की दे रहे हो आप? ये पिछले साल 250 रुपए की है। पिछले साल भी 250 का, आज भी वही 250 में दे रहा हूँ। आप चाहते हैं कि ये मुल्क कोई गोद ले ले? चाइना ले ले, बेस्ट है। तो अंकल फिर चाइना के लोग यहाँ घूमेंगे? तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना, इनसे तो बेहतर है ना यार, जब छोटे डाकू घूम रहे हैं तो। आपकी पेंशन भी फिर चाइना के पैसों में आएगी? जाहिर है। पहले गुर्बत थी, अब महंगाई है। ये लोग हुकूमत अब सोचती नहीं है किसी के बारे में भाई, और ना सोचेगी। वो अंकल तो पीछे कह रहे हैं कि ये मुल्क कोई गोद ले ले। कौन अंकल कह रहे हैं?
बोलो उनको किसी ने गोद लिया था, जो मुल्क को कोई गोद ले लेगा। अच्छा दादा, दादा जिंदा है? सॉरी यार। दादा को अल्लाह जन्नत नसीब करे भाई। हमारे मोहल्ले से इतना दूर है, तकरीबन पैदल जाने का 5-6 मिनट रास्ता है। शॉपिंग कर ली? नहीं अभी नहीं। ये पापा है? नहीं दोस्तों के साथ। ये सारे दोस्त हैं? ये कौन है खड़े हुए? अच्छा आप भी ऐसे खड़े हुए हैं। सर शॉपिंग हो गई आपकी ये अभी चल रही है? चल रही है भाई। अभी कुछ लिया है आपने? अभी तो बच्ची के लिए एक टॉप लिया है सिर्फ। बच्ची के लिए? जी 9 ईयर्स की बेटी है मेरी, उसके लिए। अच्छा बेटी है? जी जी। और ईद के दिन कैसे मनाना है आपने? बस ईद का दिन ऐसे ही मनाना है जैसे हर साल मनाते हैं। सो के बिल्कुल सही, सो के। ठीक है सर, आपने भी ईद का दिन सो के गुजारना मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल आप लोगों ने ईद का दिन सो के गुजारना है कि भाई? मैं तो उठ के गुजारूंगा ईद का दिन, बड़ा VIP तरीके से। कैसा लगेगा आपको लाइट हाउस में चाइना की लड़कियां घूम रही हैं? जाहिर अच्छी है ना, इनसे तो बेहतर है ना यार। पठानों से बेहतर है? पठानों से बेहतर है, आप देख लो चाइना की लड़कियां आ जाए, वो चाय के कप देंगी। किसी को भी पूरे पाकिस्तान से अगर अंडरवेयर चाहिए हो अच्छी क्वालिटी की, सिर्फ 250 रुपए। जी पता बता दें अपना। कौन सा ऐसा शख्स है पूरे खानदान में जो ईद ही नहीं देता? हमें तो कोई भी नहीं देता। नहीं बचपन से होता है, एक कोई होता है। हमारी बड़ी पप्पू थी वो कहती थी बेटा उधार है। हमारे पास सारे ही उधार हैं। सभी उधार हैं हमारे। आपके पास? सब देते हैं। सब देते ही थी, अच्छे खानदान गए। मेरे मामू हैं वो नहीं देते। आपके मामू ईद ही नहीं देते? जी अभी तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अभी वो है नहीं, लेकिन उनसे पहले जब थे वो नहीं देते। मतलब इस ईद पे भी ईद ही नहीं देंगे? इस ईद पे मामू के बेटे से लेंगे कर्ज उधार। अच्छा जो 2000 का जूता है वो 5000 का क्यों हो गया है? ये तो कोर्ट बंद है ना, खजाने में पैसा नहीं है, इस लोगों ने लूट लिया मुल्क, इसीलिए जूता महंगा हो गया। इस दफा से जूता महंगा हो गया है ना यार। क्या हमारी सोच छोटी है? सोच तो हमारी सब बहुत बड़ी है, पर यह है कि यहाँ के लोग छोटे हैं। लेकिन चाइना के लोग उससे भी छोटे हैं। चाइना के लोग तो चाइना है, वो तो पत्थर को भी तोड़ के वो बना देते हैं बाइक। ऐसा ही है। अच्छा आप बोल नहीं सकते, लेकिन आपका दिल करता है कि काश आप बोलते। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये अच्छा सच सच बताइएगा, आपको इस वक्त पेशाब आ रहा है? नहीं कुछ भी नहीं आ रहा है। आप ऐसे हिल रहे हैं? करके आ रहा हूँ अभी। आप करके आ रहे हैं? करके आ रहा हूँ। अगर हम हिसाब लगाएं कि कितना निकला है तो कितने लीटर होगा? तो आप चेक कर सकते हैं, हमारे साथ चले। मैं तो अभी करके आया हूँ, लेकिन अभी फिर जाऊँगा तो आप चलना मेरे साथ। फिर आ रहा आप? नहीं आ रहा, नहीं आएगा फिर मैं आपको बताऊँगा। मतलब मामू ने देने ही नहीं है? मामू कमाते भी नहीं थे ना, सारी जिंदगी कुछ नहीं कमाया? नहीं वो जब काम करते थे तब हम छोटे थे, कैमरा वगैरह उनका भी वीडियो का काम था, लेकिन अब तो है वो काम बंद हो गया है। अच्छा हाँ, अब वो काम कोई कंटिन्यू कर रहा भी नहीं है, तो सारे बच्चे अपने अपने काम। तो मामू के कैमरे जो पड़े हुए वो बेच के तो मेरी ले लो, उनके बेटे मुझे बेच देंगे। तो आजकल के लड़के आ रहे हैं कस्टमर्स, महंगाई इतनी हो गई है वो जूता ले नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा कस्टमर आया जो जूता चुरा के ले गया? हाँ कल भी एक लेडीज आया था, एक जोड़ी ऐसे शॉपर में डाल के, मैंने उसे वापसी बोला ये कान से आया, मैंने बोला ये खुद तुम्हारा शॉपर में डाल के। लेडीज ने चोरी करी है? हाँ भाई दोबारा वापस आने वाले हैं। अल्लाह करे भाई सब आवे, हमारी तरफ अल्ताफ आवे, हमारी तरफ जरदारी आवे, नवाब आवे, जवाब आवे, कवाब आवे, कोई भी आवे। हमें सिर्फ अपने मुल्क के लिए अच्छे लोग चाहिए कि हमारे मुल्क के जो है ना हम गरीब लोगों को देखने वाले हों। मिटाएगा जियो झूले लाल, पकड़े गए तो लाल, फड़े तोड़ गए थे अपना ही कमाल।